हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने डीएनए रेप्लिकेशन के जो पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे मिसेलसन एंड स्टाल ने इन 1958 ये प्रपोज किया कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहलाता है, यानी कि पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो सेमी कंजर्व रह जाते हैं और हाफ जो स्ट्रैंड होता है वो नया डॉटर स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होता है। पर ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है रेप्लिकेशन का, ये किस तरीके से परफॉर्म होता है इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स, इसको डिटेल में हम आज समझेंगे। सो सबसे पहली चीज़ कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे ही मैंने आपसे बात की थी पहले कि हमारी जनरेशन टू जनरेशन हम अपने कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो मेंडल ने कहा था कि फैक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद में पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में सटन एंड बोवरी ने ये बताया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो इनहेरिट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। बट फिर उसके बाद में टीएच मॉर्गन ने ये डिस्क्राइब किया कि जीन्स या वो जो फैक्टर्स मेंडल ने बताए थे कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं वो एक्चुअली क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनमें ही प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम जो है इनहेरिट करता है, इसलिए वो कैरेक्टर्स जो है वो भी इनहेरिट करके जाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम अगर हमारी आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो क्या पेरेंट्स के पास में कोई भी क्रोमोसोम नहीं बचेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हमारे सेल के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो इक्वली डिवाइड होता है और इक्वली डिवाइड होने के बाद में क्या होता है वो हमारी जनरेशन में चला जाता है। तो गैमीट्स हाफ क्रोमोसोम्स को कैरी करके जाते हैं एक पेरेंट से और दूसरे पेरेंट से गैमीट्स आधे क्रोमोसोम्स कैरी करके आते हैं और दोनों का जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंट्स में होते हैं डिप्लॉइड जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके जनरेशन में आगे आ जाते हैं और उनके पास में मिक्स दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये डीएनए जो है ये रेप्लिकेट कब हुआ होगा, यानी कि डीएनए जब डिवाइड कर रहा था उससे पहले डीएनए जो है वो हमने जब सेल साइकिल पढ़ी थी, हमने लास्ट वीडियो में जब सेल साइकिल पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से इंटरफेज और एम फेज जो है वो सेल साइकिल के पार्ट्स होते हैं और इंटरफेज में हम ये देखते हैं कि जो इंटरफेज का एस फेज है यानी कि सिंथेसाइज्ड फेज है वहाँ पर डीएनए जो है सिंथेसाइज होता है यानी कि रेप्लिकेट होता है। पर कैसे होता है, कौन से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं इन्वॉल्व हैं उसको सिंथेसाइज करने के लिए, वो सारी बातें डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो इट रिक्वायर्स सेवरल एंजाइम्स, कई तरीके के एंजाइम्स, प्रोटीन्स और आरएनए प्राइमर्स का यहाँ पे यूज होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक डीएनए स्ट्रैंड है और इस डीएनए स्ट्रैंड का एक स्ट्रैंड 5' और दूसरा 3', यानी कि एंटी पैरेलल रन कर रहे हैं। ये दोनों ही स्ट्रैंड जो है एंटी पैरेलल रन कर रहे हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो कैसा होता है, वो सर्कुलर होता है और यूकैरियोट्स में ये जो डीएनए है वो लीनियर शेप के होते हैं। ओके, तो अब सर्कुलर और डबल अगर हेलिक्स आप देख रहे हैं इस तरीके से, अगर डबल स्ट्रैंडेड अगर डीएनए देखते हैं तो इस तरीके से होता है, यूकैरियोट्स में इस तरीके से होता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि कहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होने का एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं ओराई रीजन, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर यहाँ पे लीनियर स्ट्रैंड की बात करें यानी कि यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिया होता है। तो ऐसा एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक डीएनए में नहीं होता है, ऐसे कई सारे ओराई रीजन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, डीएनए स्ट्रैंड्स में। यूकैरियोट्स में बहुत सारे ओराई रीजन हो सकते हैं और प्रोकैरियोट्स में आपको एक सिंगल ओराई रीजन मिलता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे एक ओराई रीजन है, ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, यहाँ पे ये एक सिंगल ओराई रीजन से रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ओराई सी रीजन। ठीक है,
और ये जो टाइप ऑफ रेप्लिकेशन है या तो ये यूनिडायरेक्शनल हो सकता है या ये बायडायरेक्शनल हो सकता है। कैसे? मोस्टली अगर हम देखें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहाँ पे जो डायरेक्शन है रेप्लिकेशन का वो दोनों साइड में हो सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है एक ही है, पर यहाँ पे फॉक का जो फॉर्मेशन है वो दो साइड में होगा। ये फॉक जो है ये दो साइड में बनेगी और ये बाई डायरेक्शनल जो है दो अलग अलग साइड में ऐसे चलेगा। तो रेप्लिकेशन इस तरीके से बाई डायरेक्शनल चलती है। और कंपैरेटिवली अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो आपको यूनिडायरेक्शनल एक ही साइड में आपको रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब इसे और आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रेप्लिकेशन जो है हो रहा है। तो जैसे अभी डिस्कस किया कि ये जो रीजन है आपको ये येलो कलर से जो शो हो रहा है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी कि यहाँ से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। और जिस पोर्शन में, जिस डीएनए स्ट्रैंड में जो आपका रेप्लिकेशन हो रहा है या प्राइमरी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर जो मिलने वाला है वो क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है रेप्लिकॉन। तो जिस यूनिट में रेप्लिकेशन हो रहा है दैट यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकॉन। आगे देखते हैं यहाँ पे वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से प्रोटीन्स हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रोटीन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रोटीन्स हैं यहाँ पे, अलग अलग सारे अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, अलग अलग इनके फंक्शंस हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोट्स में डायरेक्शन ऑफ जो रेप्लिकेशन है वो एक साइड में होता है, वो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन एक साइड में है। जैसे कि ये वन साइडेड आपको डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो ओराय रीजन था, इस ओराय रीजन में आपको यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। ये आप इस तरीके से, ये जो ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहा है दिस इज अ हेलिकेज एंजाइम। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज अ हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम क्या है, एक डायरेक्शन में इस डीएनए डबल हेलिक्स को खोलता हुआ जाता है। जैसे ही ये आगे की साइड में मूव करता है डीएनए का हेलिक्स जो है ये ओपन होता जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक आपको सिंगल स्ट्रैंड नज़र आ रहा है यहाँ पे, और एक सिंगल स्ट्रैंड ये अलग हो गया है। दो अलग अलग तरीके से आपको स्ट्रैंड अलग नज़र आ रहे हैं, ये एक अलग हो गया और ये एक अलग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो हेलिक्स है ये मूव करता हुआ जा रहा है और ये डीएनए डबल हेलिक्स को खोलता जा रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलते जा रहे हैं। उसके बाद में एक बार ये स्ट्रैंड खुल गए, ये दोनों स्ट्रैंड आपको सिंगल स्ट्रैंड मिल गए हैं दोनों साइड में, तब क्या आता है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं। क्या आते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर से आपको देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जिनका क्या काम होता है, ये डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से ही अटैच हो सकते हैं। तो जब हेलिकेज डीएनए डबल हेलिक्स को खोल के सिंगल स्ट्रैंडेड कर देता है तो ये सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन जो है इससे दोनों साइड से अटैच हो जाते हैं। अब अटैचमेंट का क्या रीजन है कि वापस से ये डीएनए हेलिक्स जो है ये फिर से क्या होगा, फिर से रीजॉइन नहीं होगा या फिर से रीअलाइनिंग नहीं हो जाएगी इसकी या रिकॉइलिंग नहीं हो जाएगी इसकी। तो फिर से रिकॉइल ना हो जाए, फिर से हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ना हो जाए। इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो जैसे क्लिप्स होती हैं वो क्लिपिंग कर दी है उन्होंने, यहाँ पे हेलिकेज ने स्ट्रैंड को खोल दिया है और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या किया है उसको क्लिप्स के जैसे दोनों स्ट्रैंड्स को यहाँ पे क्लिपिंग कर दी है, ये यहाँ से स्ट्रैंड्स की क्लिपिंग हो गई। ओके, अब जैसे ही हेलिकेज मूव करता जाता है, हेलिकेज का जैसे ही मूवमेंट आपका सामने फॉरवर्ड साइड में होता जाता है तो क्या होता है कि सामने के साइड में ये जो इतना पोर्शन है डीएनए का, दिस पोर्शन, इतना पोर्शन जो है ये पोर्शन जो है हाई टेंशन में आ जाता है। हाई टेंशन का क्या मतलब है, हाई टेंशन तो हम एक कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं,
एक्चुअली यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो गई है, ये इस रीजन में अगर आप देखते हैं तो इस रीजन में आपको सुपर कॉइलिंग नजर आती है, ये रीजन। किसी दूसरे कलर से इसे शो करके देखते हैं कि ये जो है सुपर कॉइलिंग यहाँ नजर आ रही है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये सुपर कॉइलिंग हो गई है। अब ये सुपर कॉइलिंग जो है इसे हम कहेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, क्या कहेंगे इसे, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ये हो गई पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। अब ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग अगर पॉजिटिवली सुपर कॉइल होती जाएगी तो ये आगे जो आपका हेलिकेज एंजाइम है ये फंस जाएगा और मूव नहीं करेगा, और मूवमेंट नहीं होगा तो फिर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो अब इस हाई सुपर कॉइलिंग को, ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को हटाना है, इसको हटाने के लिए आपके पास में एक एंजाइम आता है और इस एंजाइम को हम कहते हैं टोपोआइसोमरेज एंजाइम। तो ये पिंकिश कलर से ये जो दिख रहा है दिस इज़ अ टोपोआइसोमरेज एंजाइम, ये जो एंजाइम नज़र आ रहा है ये सर्कुलर, ये आपको टोपोआइसोमरेज दिख रहा है। तो ये टोपोआइसोमरेज का क्या काम है, ये टोपोआइसोमरेज जो है ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हुई थी, इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को ये कन्वर्ट कर देता है इन नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है ये जो कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी अब नेगेटिव। तो ये जो टेंशन हुआ है ये सुपर कॉइलिंग की वजह से ये रिलीज हो जाता है और उससे क्या होता है हेलिकेज आगे मूव करने में फिर से कर पाता है, मूवमेंट कर पाता है। अच्छा, उसके बाद में अब जब इसने टोपोआइसोमरेज में अपना काम कर लिया तो यहाँ पे टोपोआइसोमरेज के साथ में आपको एक और नाम मैं आपको बताती हूँ जिसे कहते हैं गायरेज एंजाइम। ये गायरेज और टोपोआइसोमरेज एक्चुअली इन दोनों वर्ड का मतलब एक ही है, इन दोनों का काम एक ही है। ये क्या करते हैं, इन दोनों का काम ये है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है, और ये क्यों हो रही है, ये पॉजिटिव जो सुपर कॉइलिंग हो रही है ये हो रही है हेलिकेज एंजाइम के आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करने की वजह से। ये मूवमेंट करने की वजह से ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बनती जा रही है तो उसको टोपोआइसोमरेज या गायरेज एंजाइम जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। और कैसे रिलीज करते हैं, टोपोआइसोमरेज जो है वो एक्चुअली दो क्लासेस में डिवाइड होता है, टोपोआइसोमरेज टाइप 1 एंड टोपोआइसोमरेज टाइप 2, ठीक है। तो ये गायरेज क्या है, एक्चुअली टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है दीज आर यूज्ड इन यूकैरियोट्स, और गायरेज एंजाइम जो है वो प्रोकैरियोट्स में यूज होता है। पर दोनों का ही काम क्या है, न्यूक्लियेज एक्टिविटी है, यानी कि डीएनए को कटिंग करेंगे, डीएनए की कटिंग करने के बाद में क्या होता है इसको, इसके टेंशन को रिलीज करेंगे, इसकी सुपर कॉइलिंग को कम करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव करेंगे और वापस से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो टोपोआइसोमरेज के या जो ये इस तरीके का एंजाइम है गायरेज एंजाइम है, ये क्या होता है, यहाँ पे आपको 4 सब यूनिट्स के साथ में मिलते हैं जिसमें 2 यूनिट्स एक ए के होते हैं और एक 2 यूनिट्स जो हैं वो बी के यूनिट होते हैं। तो ए वाला क्या करता है, अटैचमेंट का काम करता है, कटिंग का काम करेगा और वापस से जोड़ने का काम करेगा, और बी सब यूनिट जो है वो सब यूनिट आपको एटीपी प्रोवाइड करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से यहाँ पे टोपोआइसोमरेज या गायरेज एंजाइम जो है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली टोपोआइसोमरेज या गायरेज का काम क्या हुआ, जो फंस गई है थ्रेड सामने के साइड में, जो थ्रेड जो है फंस गया है, उस फंसे हुए थ्रेड को आपको लूज करना है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट करना है जिससे कि यहाँ पे ये जो हेलिकेज है ये हेलिकेज आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहे और रेप्लिकेशन बीच में रुके ना, ठीक है। इतनी चीज़ें हुई, उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट एक्शन किसका आ रहा है, यानी कि अभी क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको आया है यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम जिसने हेलिक्स स्ट्रक्चर को क्या किया है, उसको अनकॉइल किया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है,
फॉरवर्डली मूव कर रहे हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे दो क्लिप्स नज़र आ रही हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। ये आपको यहाँ पे डीएनए को वापस से एलील करने में या वापस से कॉइलिंग स्ट्रक्चर में लाने से ये रोकती हैं। ये क्लिपिंग हो जाने के बाद में, मतलब ये सिंगल, ये आपको मान लीजिए कि क्लिप्स हैं, ये यहाँ पे क्लिप्स लग गई हैं, ये यहाँ पे क्लिप्स लग गई हैं, ये क्लिपिंग हो गई। अब ये डीएनए जो है ये अब मूव नहीं करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है मूव नहीं करेगा, पर यहाँ पे जो आपको सुपर कॉइलिंग नज़र आ रही है आगे के डायरेक्शन में, ये सुपर कॉइलिंग को कम करने के लिए यहाँ पे टोपो आइसोमरेज के जो सब यूनिट्स हैं उनने कटिंग की, कटिंग करके रिलीज़ किया है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को, नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, और नेगेटिव में कन्वर्ट करने के बाद में वापस से यहाँ पे उसको जोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद में यहाँ पे आता है प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, प्राइमेज एंजाइम का क्या काम है, प्राइमेज यहाँ पे प्राइमर सिंथेसाइज करेगा। तो यहाँ पे ये रेड कलर से आप देख रहे हो, रेड कलर से यहाँ पे छोटे से ये आपको क्या दिख रहे हैं, प्राइमर दिख रहे हैं, ये क्या है, आपको रेड कलर से प्राइमर नज़र आ रहा है। तो प्राइमर का क्या काम है, प्राइमर यहाँ पे जो है ये आरएनए के स्मॉल सीक्वेंसेस होते हैं, और ये क्या है, 5' to 3' पोजीशन डायरेक्शन में ये क्या करेंगे, ये डीएनए के नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेंगे। 5' to 3' एंड इसलिए है क्योंकि नया जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3' OH पोजीशन पे ही अटैच होता है, तो ये 3' पोजीशन पे अटैचमेंट होता जाता है, तो 5' से 3' पोजीशन पे ये इसका मूवमेंट चलता रहता है। अब ये नया यहाँ पे ये स्ट्रैंड जो है ये सिंथेसाइज होता जा रहा है 5' to 3'। ठीक है, और एंजाइम कौन सा है जो ये काम कर रहा है, वो है DNA polymerase 3। तो ये आपको जो एंजाइम है येलो कलर से नज़र आ रहा है, ये जो है DNA polymerase 3 है, ये यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये आपको DNA polymerase 3 विद द हेल्प ऑफ प्राइमर एंजाइम, प्राइमर वो क्या है, कंटिन्यूसली स्ट्रैंड्स बना रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है इस तरीके का, ये आपको एंटी पैरेलल नज़र आ रहा है, यानी कि 5' to 3' जो डायरेक्शन है वो ये रेप्लिकेशन फॉक के साइड में, ये फॉक नज़र आ रही है, ये फॉक बनी हुई है। ठीक है, अलग कलर से अगर शो करते हैं, विजिबल नहीं है, तो विजिबिलिटी के लिए देखते हैं कि अलग कलर से शो कर रहे हैं। ये जो है ये फॉर्क है, ये फॉर्क के डायरेक्शन में आपको 5' to 3' मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देखिए तो यहाँ पे 5' to 3', ये 5' to 3', ये मूवमेंट होता जा रहा है। तो ये जो स्ट्रैंड है ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है जो कि फॉर्क के साइड में जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे ये हो गया आपका लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जो आपको टुकड़ों में नज़र आ रहा है, फिर ये प्राइमर आता है रेड वाला, फिर ये सिंथेसाइज करता है, फिर ये प्राइमर आता है रेड कलर का, फिर सिंथेसाइज करता है 5' to 3', पर ये रेप्लिकेशन फॉक से दूर जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड का जो मूवमेंट है 5' to 3' पर रेप्लिकेशन फॉक के साइड में, और लैगिंग स्ट्रैंड का मूवमेंट 5' to 3' है पर अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद में अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, देन अब ये डायरेक्शन हो गया। अच्छा, अब ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो तो सिंथेसाइज हो गया है, ओके। अब ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे जो पर्पल कलर से ये नज़र आए न्यू डीएनए के स्ट्रैंड जो बने हुए हैं, ये जो आपके न्यू डीएनए के स्ट्रैंड पर्पल कलर के यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड में सिंथेसाइज हैं, दीज वन, इन स्ट्रैंड्स को अब हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, इनको हमें वापस से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं DNA polymerase 1। तो DNA polymerase 1 आता है, और ये DNA polymerase 1 का काम क्या है, इसका काम है सबसे पहले तो यहाँ से ये प्राइमर को हटाना, तो ये जो प्राइमर लगे हुए हैं इनको बाहर करेगा,
इन प्राइमर्स को पहले बाहर कराना है, उसके बाद में क्या करेगा, क्योंकि पॉलीमरेज है तो यहाँ पे जब ये अलग हो जाएंगे, मान लीजिए ये यहाँ पे अलग करते हैं इसको, ये प्राइमर को यहाँ से अलग करते हैं, ये यहाँ से ये रेड वाला प्राइमर अलग किया, ये अलग किया, ये अलग किया, अब हमारे पास में क्या बच रहा है, अब हमारे पास में सिर्फ बचेगा ये जो डिसकंटिन्यूअस आपको स्ट्रैंड नज़र आ रहे हैं वो बचेंगे, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड नज़र आएंगे। अब ये जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स हैं ये एक्चुअली क्या कहलाते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो हैं ये कहलाएंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, क्या कहलाएंगे, दीज आर नोन एज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड में ये जो आपको स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं दीज आर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए डीएनए पॉलीमरेज जो है नए न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे इन गैप्स में फिल करेगा, तो गैप की फिलिंग भी इसने करनी है, ये गैप की फिलिंग करता है, ये गैप की फिलिंग हो गई। अब फिलिंग करने के बाद में यहाँ पे एक अनदर एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं लाइगेज एंजाइम, ये लाइगेज एंजाइम के पास में एक तरीके से क्या एक्टिविटी है, लाइगेट करने की यानी कि चिपका देने की, ये जो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे अभी बने हुए हैं इनको यहाँ पे ये क्या करेगा, सील करेगा, तो ये यहाँ से इसने क्या किया, सीलिंग कर दी, ये जो आपको स्ट्रैंड जो है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के इनको सील कर देगा, और सील करने के बाद में क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस आपको यहाँ पे स्ट्रैंड जो है वो इस तरीके से बन जाएगा जो कि 5' to 3' पोजिशन पे बना हुआ होगा। तो ये जो लैगिंग स्ट्रैंड थी अब ये वापस से पूरी फुल एक स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कौन कौन से एंजाइम आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आ रहा है जो जिसका काम क्या है, जिसका काम है व्हाट, इसका काम है डीएनए जो हेलिक्स है उसको खोलना, अनवाइंडिंग, क्या है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, इसका ये काम है। उसके बाद में कौन आता है, जैसे डीएनए खुल गया तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो आएगा और ये इसको क्लिप के जैसे क्या करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को जो है वो उसको अटैच हो जाएगा उससे, जिससे कि वापस से ये रिवाइंड ना हो जाए। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, टोपो आइसोमरेज आता है, ये क्या करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जो यहाँ पे क्रिएट हो रही है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ये टेंशन रिलीज करता है सामने फॉरवर्ड डायरेक्शन को, जिससे कि हेलिकेज जो है वो आगे प्रॉपरली मूव करता रहे। फिर उसके बाद में क्या आता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है सिंथेसाइज करने के लिए, पर साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर बनाया है। अब प्राइमर जो है, प्राइमर की हेल्प से यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, क्या करेगा, ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। ये एडिशन हो गया इसका, ठीक है। अब उसके बाद में एडिशन होने के बाद में हमने फिर क्या कहा था, उसके बाद में आपको डीएनए पॉलीमरेज वन एंजाइम आएगा जो कि क्या करने वाला है, प्राइमर को बाहर निकालेगा, जो गैप्स बने हैं उनको फिल करेगा, और लाइगेज एंजाइम जो है वो आके उनको सील करेगा, और फिर एक नया आपको पूरा फुल स्ट्रैंड यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कर रहा होता है, ओके। उसके बाद में सबसे, अब सिंपली आपको इजी स्टेप्स में यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे हेलिकेज आया था, ठीक है। हेलिकेज ने क्या किया है, इट स्टार्ट्स अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, कहाँ पे अनवाइंडिंग की है इसने, एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। अनवाइंडिंग एक डायरेक्शन में है, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है और आपकी बाय डायरेक्शनल भी हो सकती है, बाय डायरेक्शनल केसेस जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आता है,
जो कि डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड करता है, जिससे कि वापस से ये कंबाइन ना हो जाए। फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो टेंशन क्रिएट हो रही है, मीन जो सुपर कॉइलिंग हो रही है डीएनए हेलिक्स की, इट वाज रिमूव्ड बाय द अनदर एंजाइम दैट वाज नोन एज व्हाट, दैट वाज नोन एज टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। सो द वन एंजाइम दैट वाज यूज्ड फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स वाज नोन एज हेलिकेज। फिर उन दोनों को क्लिप के जैसे पकड़ के रखने वाला एंजाइम जो है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। फिर उसके बाद में जो सुपर कॉइलिंग हो गई है डीएनए में, इस सुपर कॉइलिंग को कम करने के लिए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, या अगर आप प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको गायरेज एंजाइम आता है, ठीक है। अब उसके बाद में एंजाइम प्राइमेज जो है ये क्या करेगा, एक प्राइमर सिंथेसाइज करेगा, आरएनए प्राइमर, जिससे डीएनए सिंथेसिस आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। नए न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो 3' पोजीशन पे, जहाँ पे OH आपको ग्रुप मिल रहा है, वहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड आके लगेगा और डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन क्या रहेगा, हमेशा 5' to 3', ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कहाँ बनेगा, वो हमेशा टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क के साइड में बनेगा, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनते हैं, यानी कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और कहाँ बनते हैं, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। अब डीएनए पॉलीमरेज वन आएगा, सबसे पहला काम क्या करेगा, प्राइमर्स को रिमूव आउट करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा जो गैप्स बन गए हैं बिटवीन द गैप्स ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड्स, और उसके बाद में लाइगेज एंजाइम आके क्या करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड्स को जो गैप्स थे उसको फिल कर देगा, ठीक है। सो दीज वर द इजी स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन, एकदम सिंपल सा। अभी हम यहाँ पे एक और डायग्राम के थ्रू यहाँ पे इसे देखने की कोशिश करेंगे। डीएनए डबल हेलिक्स एंटी पैरेलल है 5' to 3', एंड हेयर द अनदर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड 5' to 3'। ये येलो कलर से जो नज़र आ रहा है ये आपका ओराय रीजन है, मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो डीएनए हेलिक्स विथ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये फर्स्ट आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है। उसके बाद में ये आप देख रहे हैं, ये ट्राइंगुलर शेप में आपको क्या दिख रहा है, दिस इज़ अ हेलिकेज एंजाइम। क्या है ये, इट इज अ हेलिकेज एंजाइम, ये हेलिकेज हो गया। ये रेड कलर से आपको दो क्लिप नजर आ रही हैं, दीज क्लिप्स आर एक्चुअली व्हाट, दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये इसको क्लिप के जैसे पकड़ के रखेंगी, और यहाँ पे एक्सेसिवली सुपर कॉइलिंग हो चुकी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेसिव सुपर कॉइलिंग जो है इसे हम कहेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। हेलिकेज ने क्या किया है, पहले अनवाइंडिंग की है और यहां पे क्लिपिंग की गई है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन से। उसके बाद में पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको रिलीज करने के लिए क्या आ रहा है, ये आप ब्राउन कलर से देख रहे हैं, दैट इज अ टोपोआइसोमेरेज और गायरेज एंजाइम, ठीक है। इसने क्या किया, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को कन्वर्ट किया है इनटू नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। अब क्या होगा, अब ये जिस वजह से यहाँ पे हेलिकेज आगे मूव नहीं कर पा रहा था, अब ये जैसे ही रिलीज हो जाएगी ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, तो ये अब आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव कर सकता है। अब यहाँ पे प्राइमर आता है, ये पर्पल कलर से यहाँ पे प्राइमर दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे प्राइमर नज़र आ रहे हैं, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वो बना रहे हैं, ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड चल रहा है और यहाँ पे आपको जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड चल रहे हैं, ठीक है। तो अब प्राइमर बेस्ड डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है, देन अब कौन आ रहा है यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज वन
उसने क्या किया, यहाँ से ये एक प्राइमर जो है ये बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे जितने भी प्राइमर थे उन सारे प्राइमर को बाहर निकाल दिया, और क्या किया है, वापस से यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को क्या किया है, ऐड किया है। तो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे गैप में ऐड हो रहे हैं, दीज आर व्हाट न्यूक्लियोटाइड्स, और ये क्या है, प्राइमर है जो बाहर निकल के आ गया है। और अब आता है लाइगेज एंजाइम, जिसने यहाँ पे बीच में सीलिंग कर दी है, और सीलिंग करने के बाद में फिर से नया एक डीएनए स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाता है। सो दीज वॉज अ सिंपल स्टेप्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। आपको ध्यान बस ये रखना है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे ही होता है, और आई रीजन से ही होता है। एक एंजाइम याद रखना है जो हेलिकेज है, जो अनवाइंडिंग कर रहा है डीएनए की। दूसरा याद रखना है क्लिप्स के जैसे जो सिंगल स्ट्रैंडेड को पकड़ के रख रहा है वो है सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे सुपर कॉइलिंग आ रही है, उस टेंशन को रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमरेज या गायरेज एंजाइम आता है, ठीक है, उसे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट करता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 वो नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है, बट कब, जब यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर सिंथेसाइज किया होगा, प्राइमर आएगा, प्राइमर के साथ में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ऐड होते जाएंगे, और एक साइड में वन डायरेक्शन में आपको कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड मिलेगा जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क साइड, और लैगिंग स्ट्रैंड जो बनेंगे वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क साइट बनेंगे, और जिन्हें हम कहेंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर्स को बाहर निकालता है, गैप की फिलिंग करता है नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके, और लाइगेज एंजाइम जो है वापस से इसको सील करके फुल एक स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज कर देता है। सो दिस वाज अ सिंपल, वेरी सिंपल स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आई थिंक मैंने इसे समझाने की कोशिश की है जो कि ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरीके की क्वेरीज अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू अगर नहीं समझ में आती या आप पूछना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।